हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद घरती। आज अपने इस वीडियो में मैं लेके आया हूं एक बेहतरीन बेवरेज के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही टेस्टी भी है। शायद आपने सुना ही होगा कि आज के टाइम पर मिक्सचर्स और रेडी टू यूज ड्रिंक मार्केट में बहुत अवेलेबल है। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन बेवरेज को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आज अपने वीडियो में, जो सेहत के साथ आपके बूस्ट और इम्यून पावर को भी इंक्रीज करेगी। तो गाइस, एंड तक वीडियो देखते रहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बेहतरीन ड्रिंक्स के बारे में, जो कि आप शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इंडिया में हाल ही में ये बहुत पॉपुलर हुई है और लॉन्च रिसेंटली टाइम में हुई है, जिसका नाम है नानानास। यस, बिल्कुल सही समझे, नानानास। ये एक प्रोबायोटिक बेवरेज है जो कि सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। साथ ही साथ ये आपके इम्यून पावर को भी बूस्ट करती है और बहुत से जो हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी होती है उसको भी पूरा करती है। प्रोबायोटिक एक साइंटिफिक टर्म्स होता है। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि जो यूजफुल बैक्टीरियाज जो कि दही में मिलता है, मिल्क में मिलता है, और कोई सिरका हो गया या कोई फर्मेंटेड पेय पदार्थ होती है उनमें ये पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। नानानास एक इंडियन कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली इस बेवरेज को लॉन्च किया है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ये कितनी यूज़फुल है, और अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊँगा कितने टाइप्स में अवेलेबल है मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन और इसके बारे में जब मुझे पढ़ा तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ और इस वीडियो को बनाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि कोई गलत चीज़ें इंट्रोड्यूस ना कराऊँ, अच्छी चीज़ हुई इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो जो अनानास प्रोबायोटिक बेवरेज है, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ही फायदेमंद है। जैसा कि आमतौर लोग कम समय में या बाहर जब रहते हैं तो दूसरी पेय पदार्थ चीज़ें, सोडा, फ्रेश लाइम्स और दूसरी तरीके की प्रोडक्ट्स, कोला, पेप्सी, इस टाइप्स की चीज़ें लेते हैं, जो कि कुछ मायने में आपको रिफ़्रेश करती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी प्रिजर्वेटिव और केमिकल चीज़ें जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसी के ही दूसरी नज़र में ये ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इसकी खास बात यह है कि ये 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स द्वारा बनाई जाती है, और साथ ही साथ इसमें स्वीटनेस की जगह पर इन्होंने जैगरी यानी कि गुड़ का यूज़ किया, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए, उनके स्वाद के जो ट्रेडिशनल स्वाद होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, इनके 5-6 प्रकार के प्रोबायोटिक्स सिरप्स आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी कॉकटेल कैसे बनाई जाती है। ये स्पेशली टू टोटलर के लिए बहुत ही ज़्यादा ही फायदेमंद है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह बैठे हैं, आप इस ड्रिंक्स को ले सकते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जो आपके शरीर को बूस्ट करेगा, और साथ साथ जो हमारे शरीर में मिनरल्स की कमियाँ होती है और जो इम्यून पावर बढ़ाने के लिए जो हमारे विटामिन की जरूरत होती है, ये उसको फुलफिल करता है। नानानास क्राफ्ट प्रोबायोटिक बेवरेज प्रमुख विशेषज्ञ और एक्सपर्ट मिक्सोलॉजिस्ट को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। इसमें भरपूर मात्रा में आपके मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ आजकल जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हमारे चारों तरफ कोरोना वायरस और दूसरी चीज़ें जो कि बायोकेमिकल द्वारा फैल रही है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ड्रिंक्स बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए। टाइम टू टाइम इसका सेवन करने से हमको ये चीज़ पूरी तरह से फुलफिल करती है। इसको एक तरह से मल्टी विटामिन टॉनिक की तरह भी हम इसको ले सकते हैं। नानानास इंस्पायर्ड है उस ट्रेडिशनल बेवरेज से, जो कि एक टाइम पर अलग अलग देशों में इसको एक दवाई के रूप में इस बेवरेज को लिया जाता था, जैसे मैक्सिको की तपाचे है और इंडियन की कांजी। यस, शायद आप जानते होंगे कांजी को। ये उसी को मद्देनज़र में रखते हुए मोबाइल
वे में इसको तैयार किया है कि इसे रेडी टू यूज़ आप कहीं भी हो, कहाँ भी बैठे हैं और किसी भी टाइम इसको आप ले सकते हैं। ननानास, ननानास आप ये सोचें नाम ये बहुत ही सिमिलर है अनानास, जो कि हिंदी में अनानास एक फ्रूट होता है, इंग्लिश में पाइनएप्पल बोला जाता है, ये उसी से ही इस नाम का कहानी सेट किया गया है। ननानास बेसिकली यस सही समझे आप, अनानास से ही लिया गया। ननानास जो है, अनानास जो फ्रूट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा फाइबर, बहुत ज़्यादा मिनरल्स और बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, इसी को ही इस प्रोडक्ट का लोगो सेट किया। और साथ ही दूसरे वर्ड में ननास यानी कि ग्रैंड मदर, बहुत सी कंट्रीज़ में ननास का मतलब होता है ग्रैंड मदर, और हिंदी में आपने सुना ही होगा नानी के नुस्खे, तो इसी वजह से ही इस प्रोडक्ट का नाम ननास रखा गया है। अनानास इसकी पैकेजिंग बहुत ही शानदार है, थैंक यू फॉर अनानास वालों की तरफ से कि इन्होंने मुझे ये गिफ्ट पैक दिया है अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो सबसे पहले इसकी सील अनलॉक करते हैं। ये अनानास का कैटलॉग, इसके बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या खासियत और किस तरीके से बनाई जाती है। वाओ वेरी नाइस गुड पैकेजिंग। ये देखिए, ये बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं दिख रहा। बेसिकली अगर मैं कोई दूसरी वाटरमेलन बेस की सिरप्स या कोई जूसेस भी उठाऊंगा तो रेडिश कलर होता है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें नीचे चंक्स भी है, तो इससे साबित होता है कि ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक और नेचुरल है। बोतल ही बहुत ही क्यूट है। वाओ, दूसरा कोल्ड ब्रूचा, यस आई नो इट, ये बिल्कुल कॉम्बुचा का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, बट इसमें ट्विस्ट दे रखा है तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। वाओ वेरी गुड, 200 ml की बॉटलिंग है जो कि बहुत ही क्यूट दिखती है और इजी टू कैरी है। तीसरा है जिंजर अनानास, कॉम्बिनेशन वेरी नाइस, आई इम्प्रेस्ड। और ये चौथा लास्ट, वाओ फ्लोरल ब्लू टी, वाओ नाइस कलर। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग कि इसका टेस्ट कैसा है। ये फर्मेंटेड ड्रिंक होने की वजह से इसको शेक करना ज़रूरी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप शेक भी ना करें। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं जो कि है फ्लेवर्ड ब्लू टी। देखिए कितनी अच्छी सील पैकिंग है, वाओ नाइस फिश। फिश नेचुरल है जो कि कोई हार्मफुल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल CO2 यूज नहीं किया। वाओ ऑसम, बैलेंस वेरी बैलेंस, और साथ ही साथ फर्मेंटेशन का जो टार्नेस है वो भी मेरे को फील हो रहा है। इसमें कोई एडिशनल लेमन जूस या स्वीटनेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं वाटरमेलन, देख सकते हैं कितना अच्छा फिज निकल रहा है, ये थोड़ा हिलने की वजह से हो गया।
दूसरे वाटरमेलन जूस की तरह नहीं है, बट यस फ्लेवर इज वेरी नाइस। तीसरा है जिंजर अनानास, इसमें जिंजर और पाइनएप्पल का मिक्सचर है। वाओ रियली वेरी नाइस फिश, इम्प्रेसिव। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग, वेरी नाइस, वाओ अमेजिंग। एट लास्ट माई फेवरेट कोल्ड ब्रू चा, इसमें कोई फिश नहीं है एज यूजल, क्योंकि ये कॉफी टाइप्स का है। देखने से मैंने पहले बोल दिया था ये मेरी फेवरेट है। गुड कॉम्बिनेशंस, कॉफी टार्निस और स्वीटनेस का ग्रेट कॉम्बिनेशन। वाओ रियली अमेजिंग। तो ये थी इसकी टेस्टिंग और मैं इसे यूज करूंगा अपनी मॉकटेल या कॉकटेल की रेसिपी में। इट्स वेरी नाइस। तो ये थी प्रोबायोटिक और शायद इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है